एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। देश भर में बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ता रक्तदान शिविर, प्लाज्मा डोनेशन कैंप, वृद्धजनों के बीच फल वितरण के साथ ही अन्य सेवा के काम करते नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस पीएम मोदी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएगी। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि पूरे देश में कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ी है, इसीलिए कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने जा रही है। कांग्रेस के इस कदम पर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि झूठ और धोखा देने वाले यही काम कर सकते हैं। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की आबोहवा को ठीक किया है, इतिहास में पहली बार किसी अर्थव्यवस्था को सीधे जनता से जोड़ा है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था से आम आदमी को जोड़ा है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री लोगों के बीच जाकर हर स्तर पर उसकी सेवा करने का संकल्प लेता है। इनके इस तरह के नकारात्मक राजनीति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग इसलिए दुखी हैं कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के नेता जरूर बेरोजगार हो गए, उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय दें। इस तरह की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।